हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चीकू और आम यानी कि मैंगो को मिक्स करके एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी मिल्क शेक। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक बड़े वाले मैंगो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आराम से 4 या 5 ग्लास शेक बन जाएगा। उसी के साथ 3 या 4 चीकू भी डालेंगे। अगर आपको चीकू नहीं पसंद तो आप सिर्फ मैंगो का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ चीकू को इस्तेमाल करके भी ये मिल्क शेक बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको करना यही है कि चीकू और मैंगो दोनों का आपको छिलका जो है वो छील लेना है किसी भी पीलर से या छुरी से। उसके बाद में इसका जो पल्प है उसे इस तरीके से टुकड़ों में हम काट लेंगे। आम और चीकू दोनों का ही पल्प निकाल लीजिए आप, और जो इसके बीज हैं चीकू के या फिर मैंगो के बीज हैं उन्हें अलग कर लीजिए। इस तरीके से निकालने के बाद हमें इसमें शक्कर मिक्स करनी है और मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाना है। इस तरीके से गुठली से आप सारा पल्प निकाल लीजिए, बिल्कुल भी वेस्टेज हमें यहाँ पे नहीं करनी है। हाँ, अगर आप बाद में गुठली चूसने वाले हैं तो अलग बात है, आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा पल्प रहने दीजिए। इस तरीके की सारी चीज़ों को आपको डाल लेना है एक मिक्सर जार में, और इसमें अभी स्वाद अनुसार शक्कर डालेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। आप पहले ही ज़्यादा नहीं डालिए, वरना अगर ज़्यादा मीठा हो गया तो उसको आप कम नहीं कर पाएंगे। कलरिंग के लिए यहाँ पे मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको नेचुरल कलर रखना है मिल्क शेक का तो आप कोई भी कलर मत डालिए, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है, देखने में सुंदर बनाना है तो कोई भी आपका मनपसंद फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी भर आपको फूड कलर डालना है, और बाद में ये सारी चीज़ों को मिक्सर जार में मिक्स करके इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। फिलहाल इसमें हमने दूध वगैरह कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐड नहीं की है। इस तरीके से अगर आप पीसेंगे तो बढ़िया पीसा जाएगा, और जो शक्कर हमने डाली थी साबुत शक्कर वो भी एकदम बारीक इसमें पीसी जाएगी। अब इसमें थोड़ा दूध डाल के इसे दोबारा एक बार ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा दूध इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि जो जग है, अगर आपने उसके भर कर दूध डाल दिया और आपने मिक्सर चालू की तो जो दूध है वो पूरा मिक्सर जार से निकल के बाहर आ जाएगा, ढक्कन से भी बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा आप 1 कप या 1/2 कप दूध डालिए, सिर्फ इसलिए ताकि दूध और ये जो फ्रूट्स का जो पेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप एक बार फिर से उसे ब्लेंड कर लीजिए, और ब्लेंड करने के बाद किसी भी बर्तन में जितना आप चाहें उतना दूध डालने के बाद वो ब्लेंड किया हुआ पेस्ट इसमें हम मिक्स कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको दूध जो है वो ब्लेंडर में मिक्सर में नहीं डालना है, बल्कि उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आप मिक्स कर लीजिए, और बाद में जितना चाहें उतना ज़्यादा दूध अलग किसी बर्तन में डाल के ये सारा जो पेस्ट है उसे आप मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पे आप शक्कर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगती है तो थोड़ी सी और पीसी हुई शक्कर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। फिलहाल ये जो मिल्क शेक है ये बिल्कुल ठंडा नहीं है। आपको ये मिल्क शेक अगर ठंडा पसंद है तो आप मिक्सर जार में भी आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, या फिर मिल्क शेक बनाने के बाद आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए ताकि ये जो शेक है वो ठंडा और चिल्ड हो जाए। बस इसी तरीके से आपको कोई भी फ्रूट यूज़ करके बनाना है ये मिल्क शेक। खाली वो खट्टा वाला फ्रूट नहीं होना चाहिए, वरना जो दूध है वो ख़राब हो जाता है। कोई भी मीठी टेस्ट वाला जो फ्रूट है उसके पल्प को यूज़ करके इसी तरीके से आप जिसका भी चाहें उसका मिल्क शेक बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी इजी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।